सो गुड मॉर्निंग गाइस, और 6 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लिंगप्पा नारायण स्वामी। एक्चुअल में अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 7 हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्त किया है। अब वो 7 हाईकोर्ट है कौन कौन से? एक तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मैंने आपको बताया कौन बन गए, चीफ जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी। एक है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रविशंकर झा बन गए। राजस्थान का कल भी मैंने आपको बता दिया था, इंद्रजीत मोहंती बन गए हैं राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के कौन बन गए? जे के माहेश्वरी बन गए। केरल के एस मानी कुमार बन गए। और सिक्किम के अरूप के गोस्वामी और गुवाहाटी हाईकोर्ट के अजय लांबा बन गए हैं चीफ जस्टिस। तो ये 7 आपको याद रखने ही रखने हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम बढ़ते हैं आगे। तो फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इक्वेडोर। तो दक्षिण अमेरिका का देश है इक्वेडोर। इसने जनवरी 2020 तक पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी कि ओपेक से अलग होने की घोषणा की है। ओपेक में इक्वेडोर 1973 में शामिल हुआ था। अच्छा, ओपेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। अच्छा, ओपेक का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब अलग होगा इक्वेडोर, लास्ट टाइम कतर अलग हुआ था आपको पता है ना, अब इक्वेडोर अलग होगा। तो इसके बारे में जान लो, ये रहा मैप में इक्वेडोर। कैपिटल क्या है? क्यूटो है। करेंसी यूएस डॉलर है और प्रेसिडेंट है लेनिस मोरिनो। बढ़ते आगे। तो फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 4 अक्टूबर को। तो हर साल 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? कि पूरे विश्व में जानवरों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अच्छा, 5 अक्टूबर को भी इम्पॉर्टेंट डे हमने मनाया वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में, जिसकी थीम क्या रही? यंग टीचर्स द फ्यूचर ऑफ प्रोफेशन। अच्छा, याद रखना, एक नेशनल टीचर डे वो हम 5 सितंबर को मनाते हैं, ये है 5 अक्टूबर वाला वर्ल्ड टीचर्स डे। अब इम्पॉर्टेंट डे की बात करेंगे तो अक्टूबर में सबसे इम्पॉर्टेंट डे हमने 1 अक्टूबर को ही मनाया था, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। और 1 अक्टूबर को हमने इंटरनेशनल कॉफी डे और 1 अक्टूबर को ही वर्ल्ड वेजिटेरियन डे के रूप में मनाया था। यानी कि 1 अक्टूबर को 3 इंपॉर्टेंट डे, और अब 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे और 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में मनाया। एक नॉन वायलेंस डे 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस, वो आपको पता ही है। हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं, तो इसको शेयर करना मत भूलना। बढ़ते आगे। तो फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ भारत दिवस 2019 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 2 अक्टूबर को अहमदाबाद में स्वच्छ भारत दिवस 2019 का उद्घाटन किया। उन्होंने महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने के लिए डाक टिकट और चांदी के सिक्के भी जारी किए और उसी के साथ में देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 तक देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प भी याद दिलाया। तो देखो, यहां से आपका एक और प्रश्न बन जाता है कि देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक का है? तो 2022 तक का, और 2022 तक ही देश के किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा है सरकार ने। बढ़ते आगे। तो फिर अगला प्रश्न है, किस जगह पहला खेल विश्वविद्यालय बनेगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। तो दिल्ली सरकार मुंडका में 90 एकड़ जमीन पर खेल विश्वविद्यालय बनाएगी, जो कि देश में पहली बार खेलों की डिग्री देगा। इसमें स्टूडेंट्स अपनी प्रतिभा के आधार पर क्रिकेट हॉकी फुटबॉल जिसमें भी उनका इंटरेस्ट है उसमें पीएचडी तक की डिग्री ले सकेंगे। अब दिल्ली की बात हुई है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल है। अच्छा, देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस दिल्ली से लखनऊ तक चलेगी, और मैंने आपको बताया था कि दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से कटरा चलेगी। और आपको याद होना चाहिए कि दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है अब उसका नाम बदल करके अरुण जेटली जी के नाम पर रख दिया गया है। अच्छा बताओ, भारत का सबसे ऊंचा ATC टावर यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर कहाँ पर बना है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। बढ़ते आगे।
तो फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने HDFC बैंक के प्रगति रथ को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने HDFC बैंक के प्रगति रथ को शुरू किया है। ये प्रगति रथ प्रदेश के लोगों को फाइनेंशियल और डिजिटल साक्षरता के लिए जागरूक करेगा। अब बात हिमाचल प्रदेश की है तो येरा मैप में हिमाचल प्रदेश, कैपिटल शिमला है। अच्छा, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी कैपिटल कौन सी है, तो आंसर होगा धर्मशाला। एक्चुअली में विंटर कैपिटल है धर्मशाला और समर कैपिटल है शिमला। मुख्यमंत्री यही है जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, अभी नए बने हैं ये, इनसे पहले थे कलराज मिश्र जो कि अब राजस्थान के गवर्नर हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के मनाली में देश का पहला स्काई साइकिलिंग पार्क भी खुला है, ये भी आप याद रखना। राजकीय पशु की बात करेंगे, स्टेट एनिमल तो बर्फ का तेंदुआ है, पक्षी है ट्रेगोपेन, पुष्प है रोडोडेंड्रॉन और वृक्ष है देवदार का। नृत्य में बात करेंगे तो नाट्य नृत्य है, डांगी है और एक छपेली भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क है, खीरगंगा नेशनल पार्क और एक सिंबल बारा नेशनल पार्क भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विजय पाटिल को। तो विजय पाटिल को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, जबकि संजय नाइक को सचिव और अमोल काले को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वहीं भारत के पूर्व ऑलराउंडर कौन, रोजर बिन्नी को कर्नाटक क्रिकेट संघ का अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया था कि मुंबई में देश का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट खुला है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। तो फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट 2019 भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मंगोलिया। तो भारत और मंगोलिया का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट 2019 5 से 18 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है, ये इसका 14वां संस्करण है। अच्छा, ये हो कहाँ पे रहा है? तो हिमाचल प्रदेश के बागलोह में, और इसमें आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए सैनिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब मंगोलिया के साथ हो रहा है तो येरा मैप में मंगोलिया, कैपिटल क्या है, उलनबट्टर है, करेंसी है टोग्रोग, प्रेसिडेंट है कल्तमागिन बटुलगा। अच्छा, आपको याद होगा इसके प्रेसिडेंट जो है अभी सितंबर में भारत के दौरे पर आए हुए थे, और आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगोलिया में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया था। बढ़ते हैं आगे। तो फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR वाहन मित्र योजना शुरू की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश ने। तो अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में YSR वाहन मित्र योजना शुरू की है। वैसे आप YSR से समझ गए होंगे क्योंकि ये YSR कांग्रेस पार्टी से ही है। तो इस योजना में होगा क्या, तो इसमें ऑटो कैब और कार ड्राइवरों को हर साल 10,000 रुपये मुफ्त में दिए जाएंगे, ताकि इन पैसों से वो जो ड्राइवर हैं वो वाहन का बीमा करा सकें और उसका रख रखाव करने में उनको मदद मिल सके। अब बात आंध्र प्रदेश की है तो येरा मैप में आंध्र प्रदेश, कैपिटल क्या है, हैदराबाद है। अभी तो वर्तमान में तो हैदराबाद है, लेकिन प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती। मुख्यमंत्री है ही सही जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, RRB ग्रुप डी में एक बार पूछा गया था कि बोरा केव्स कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में है, और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो यही है आंध्र प्रदेश। अभी RPF के एग्जाम में लास्ट टाइम पूछा गया था ये। अच्छा, भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये कहाँ पे बना है, तो ये आंध्र प्रदेश में बना है, ये प्रश्न भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। अच्छा, स्टेट एनिमल की बात करेंगे, राजकीय पशु तो ब्लैक बग है, पेड़ है नीम का, फूल है चमेली, पक्षी है तोता और नृत्य है कुचिपुड़ी और एक और है कोला अट्टम, ये काफी फेमस है। बढ़ते हैं आगे। तो फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने कोयला आपूर्ति की निगरानी के लिए किस पोर्टल को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश नाम के पोर्टल को। तो विद्युत मंत्री RK सिंह और कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, और इन्होंने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में प्रकाश नाम के पोर्टल को शुरू किया है। अच्छा, इस प्रकाश की भी फुल फॉर्म है पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मनी। तो इस पोर्टल के उपयोग से कोयला कंपनियों को पावर स्टेशनों पर जो स्टॉक रखा होता है और कोयला आवश्यकता को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं आगे।
तो फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गोवा मेरीटाइम कॉन्क्लेव 2019 का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अजय डोभाल ने। तो अभी गोवा में गोवा मेरीटाइम कॉन्क्लेव 2019 का उद्घाटन किया है किसने? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजय डोभाल ने। अच्छा, इसकी थीम भी है। थीम क्या है? कॉमन मेरीटाइम प्रायोरिटीज इन IOR यानी कि इंडियन ओशियन रीजन एंड नीड फॉर रीजनल मेरीटाइम स्ट्रेटजी। अब ये गोवा में हुआ है तो येरा मैप में गोवा, कैपिटल पणजी है। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पणजी किस नदी के किनारे स्थित है, तो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, गवर्नर है मृदुला सिन्हा। अच्छा, याद रखना, देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। और सबसे बड़ा है राजस्थान। अच्छा, देश का पहला GI स्टोर कहाँ पे खुला? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आंसर होगा गोवा में। अच्छा, सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी से चलने वाली जल टैक्सियों की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो गोवा ही बना है। और गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे, ये मनाते हैं कब? 19 दिसंबर को। और याद रखना, गोवा स्थापना दिवस मनाते हैं 30 मई को और गोवा क्रांति दिवस 18 जून को मनाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के दूसरे सर्वोच्च बौद्ध नेता सत्यप्रिया मोहथेरो का निधन हो गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के दूसरे सर्वोच्च बौद्ध नेता सत्यप्रिया मोहथेरो का बांग्लादेश की राजधानी ढाका में निधन हो गया है। इन्हें सामाजिक कार्यों के लिए 2015 में बांग्लादेश के 21 पदक के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अच्छा, इनके अलावा कृष्णा कादकोड़ी का भी अभी निधन हो गया है। ये महान दर्शन शास्त्री थे। ये गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के बाद पणजी के पहले तहसीलदार बने थे। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कविता गोपाल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अच्छा, अब आज का करंट अफेयर्स तो आपने पढ़ लिया है, अब इन क्वेश्चन का आप टेस्ट जरूर लगाएं। करंट अफेयर्स की क्विज आप डेली सॉल्व करा करें। आप टेस्ट लगाएंगे ना तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और क्विज लगाने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जिन स्टूडेंट्स को खासतौर पर ये प्रॉब्लम रहती है कि पीछे का करंट अफेयर्स वो भूलते जा रहे हैं, तो ये क्विज आप डेली बेसिस पे लगाना शुरू करें, आपकी भूलने की समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो ये क्विज आपको क्रेक जी के ट्रिक्स की एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पे आप क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, उस एप्लीकेशन में आपको क्विज के साथ साथ सभी PDF भी मिल जाएंगे और सभी वीडियोज भी एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो डेली बेसिस पे आप क्विज लगाना शुरू कीजिए और आप खुद अंतर देखिए कि आप में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी आपका व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप होगा वहां पे इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। चलिए, अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में।